दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित होते हैं या फिर शादीशुदा औरत को पटाने की सोच रहे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाएं। दोस्तों, शादीशुदा औरतों को देखकर आकर्षित हो जाना पुरुषों के लिए एक प्राकृतिक क्रिया है। अक्सर शादीशुदा महिलाएं औरतें या फिर स्त्रियां पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अगर शादीशुदा औरत को आप पटाते हो तो आपको सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शादीशुदा औरत के पति को आपकी इस हरकत का पता चल गया तो वो आपको बहुत मारेगा। इसलिए शादीशुदा औरत को पटाते समय सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हर किसी को शादीशुदा औरत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जवान लड़कियों से अच्छी फिगर शादीशुदा औरतों की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जवान लड़कियों की फिगर उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। शादीशुदा औरत के शरीर की पूरी तरह से विकास हुआ होता है, जिसके कारण शादीशुदा औरत हर किसी को अच्छी लगती है। इसीलिए बहुत सारे मर्द शादीशुदा औरतों से दोस्ती करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी शादीशुदा औरतों के साथ दोस्ती करनी है तो आपने शादीशुदा औरतों को पटाने के तरीके अपनाकर उनको दोस्ती करके और उनको दोस्ती के लिए मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे शादीशुदा औरतों को पटाने के तरीके। किसी स्त्री या पुरुष का शादी होने के बाद अफेयर रखने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे अपने पति या पत्नी से पूर्ण रूप से संतुष्टि ना हो पा रहे हो, या फिर दोनों में से कोई भी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया हो। इसीलिए कुछ महिलाएं या पुरुष शादी के बाद अफेयर या चक्कर में बने रहते हैं। जब किसी इंसान को अधिक पाने की चाहत होती है तो वह इंसान कुछ न कुछ करता है। ठीक इसी तरह से महिलाएं यानी कि शादीशुदा औरतें होती है, जब औरतों को अधिक चाहिए होता है, जैसे अधिक प्यार, अधिक विश्वास, अधिक मोहब्बत इत्यादि, तो किसी गैर मर्द से अफेयर या रिश्ता बनाने की शुरुआत करती है। आप इस तरह की शादीशुदा औरतों को टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे औरतों को तलाशते हैं तो फिर आप अपने अफेयर को शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उसे देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं इत्यादि करके आप धीरे धीरे प्रेम संबंध बना सकते हैं। बहुत सारे जवान लड़कों को शादीशुदा औरतों को पटाने का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए कई बार जवान लड़के शादीशुदा औरतों को पटाते समय डरते हैं। दोस्तों, शादीशुदा औरतों को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि शादीशुदा औरतों को पता होता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है। अगर शादीशुदा औरतों को पता चल जाता है कि आप उस पर लाइन मारते हो तब भी वह आप पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। बहुत सारी शादीशुदा औरतें शादी के बाद भी खुश नहीं होती है, जिसके कारण वह भी किसी न किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने का सोचती है। अक्सर हम देखते हैं कि शादीशुदा औरतों को उसका पति ज़्यादा प्यार, ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता है, जिसके कारण शादीशुदा औरत को हमेशा लगता है कि उसका पति कितना गंदा है। उसके मन में हमेशा आता है कि हमारे पति को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, आपने ऐसे औरतों को पटाना चाहिए जिस औरत को उसके पति को बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे औरतों को पटाओगे तो ऐसी औरत आपको आसानी से पॉजिटिव आंसर देगी। शादीशुदा औरतों पर जब आप लाइन मारोगे तब औरत को धीरे धीरे समझने लगेगा कि आप हर रोज उसके घर के सामने आकर उसको लाइन मारते हो। दोस्तों, जब शादीशुदा औरत को समझ आएगा कि आप उस पर लाइन मार रहे हो तब शादीशुदा औरत आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लगेगी। कई बार लड़कों को लगता है कि औरत जल्द से जल्द रिस्पांस नहीं देती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। औरत को हमेशा लगता है कि आपको रिस्पांस दे, लेकिन शादीशुदा औरतों को अपने पति से संभल कर आपको पटाना होता है, जिसके कारण औरत आपको तुरंत रिस्पांस नहीं देगी। अगर आप 10 से 15 दिनों तक उस औरत के घर के सामने हर रोज जाओगे तो धीरे धीरे औरत भी आपको देखने लगेगी। 10-15 दिनों बाद औरत खुद आपकी राह देखेगी, क्योंकि उस औरत को आपकी आदत हो चुकी होगी। उस औरत को देखते समय आपने हमेशा इस बात का उस औरत की तरफ ऐसे नज़रों से देखना चाहिए जिससे औरत को महसूस होगा कि आप उस पर प्यार करते हो। ऐसा करते करते आंटी भी आपसे प्यार करने लगेगी। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं है, इसीलिए औरत को पटाते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, हर रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छा होता है पर अंत कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप अगर किसी औरत को पटा रहे हो
या फिर पटा चुके हो तो उस औरत से मिलने एक अच्छा मौका देखकर ही जाए और हर समय और हर जगह उसके पास ना रहे, नहीं तो उसके पति को पता चल सकता है जो आपके जीवन में दुख ला सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने अफेयर में इतने खो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो औरत किसी और की पत्नी भी है। तो इसलिए आप खुद को थोड़ा समय दें, चाहे आपको उनके साथ रहना कितना भी पसंद हो या उनके साथ बिताया हर पल आपको कितना भी पसंद हो, पसंद ही क्यों ना हो, आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें और स्थिति को समझें। सही समय आने पर ही आप उनके पास जाएं। अगर आप सिर्फ अपने प्यार में अंधे होकर उनके पीछे पड़े रहते हैं तो आपका पकड़े जाना निश्चित है। इसलिए आप अपने अफेयर में थोड़ा समय या थोड़ा गैप जरूर रखें, जिससे आपके पकड़े जाने का खतरा कम होता है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पटाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।